नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वालों पर पैसों की बारिश। केंद्र सरकार पदक विजेताओं को देगी 90 लाख रुपए के नगद पुरस्कार। स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झांझरिया को मिलेंगे 30-30 लाख रुपए। घुटने की चोट से उबर रही हैं बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। अगले महीने तक कोर्ट पर वापसी की जताई उम्मीद। लंबे समय तक बैडमिंटन से दूर रहने पर साइना की रैंकिंग में आई गिरावट। हॉकी टीम के कप्तान पीआर श्रीजेश ने सैनिकों से किया वादा। पाकिस्तान की टीम को मात देकर सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। टीम इंडिया के प्रमुख कोच अनिल कुंबले ने कहा, टीम में कभी किसी बल्लेबाज पर स्ट्राइक रेट को लेकर नहीं बनाया दबाव। सभी बल्लेबाज अपना स्वाभाविक खेल खेलने के लिए हैं स्वतंत्र। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। गेंदबाज अमित मिश्रा को मिल सकती है टीम में जगह। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।